हे गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई है कि मैं सुबह 6:30 बजे उठा था। एंड लास्ट व्लॉग के लिए थैंक यू सो मच दोज हु हैज लाइक माय वीडियोस। एंड आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं अपने एक छोटे से घर में आपको थोड़ा सा वीडियो एक्सप्लोर कराना चाहता हूँ अपने छोटे से घर में जो कि 2 रूम्स का ही है। हाँ, लेकिन लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं एक ही रूम में मैंने व्लॉग किया था, दैट इज वन ऑफ वन सेम वॉल्स। और मैं आपको थोड़ा सा अपना सेकंड रूम भी दिखाता हूँ आज, जो कि ज्यादा अपना गरीब खाना यही है, देख लीजिए गाइस, छोटा सा गरीब खाना। दैट्स बेसिकली दैट्स माय मैरिज। एक्चुअली आई एम मैरिड, आप लोगों को नहीं पता होगा। और दैट इज मी, माय मॉम एंड डैड, her mom and dad, that's we are together, that's her, and that's family picture, और एक ये है छोटा सा, ठीक है चलता है, अच्छा लगता है। और वन सेम और तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, बट किचन पार्ट इज ऑल्सो दिस, दिस इज माई मंदिर एंड छोटा सा किचन, इतना छोटा कि हम लोग दो बच्चे हमारे क्रिकेट खेल सकते हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं यार गाइस, तो इसलिए हम लोग इसी कमरे में आ जाते हैं जो कि मेरा बेडरूम है। और हम मैं कोई और डिस्टर्ब कर भी नहीं पाएगा इस चीज़ पे। मंदिर भी है हमारे घर में, दैट इज आवर मंदिर। और ये हमारी लवली वाइफ। मैंने तुमसे मना क्या आया, मेरे को नहीं कोई बात नहीं, नहीं मुझे नहीं एग्जिट होगा। गाइस इतना सा ही है, छोटी सी फैमिली है हमारी और ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। और एक चीज पे मेरे को आ रहा था कि मैं आपको कुछ शेयर करूं, मेरे दिमाग में वो चीज चल रही थी काफी दिनों से, और दैट इज यूजली अबाउट ऑन कमेंट सेक्शन इन यूट्यूब। दोज हु हैव स्टार्टेड द न्यू वीडियोज, इवन दोज हु हैव नॉट ऑल्सो, और जो काफ़ी टाइम से हैं और पीपल आर डिसलाइकिंग दैम। यार अग्री, यूट्यूब के ऊपर डिसलाइक का पेज होता है, दोज हु हैव नॉट डन हार्ड वर्क एंड सम ऑफ देम आर गोइंग थ्रू पुट डिसलाइक बटन ऑन ऑफ दैट। ठीक है, इट्स योर वर्ड वेशर, बट कमेंट सेक्शन में यार थोड़ा सा अच्छा सा कमेंट करेंगे हम लोग दूसरों के लिए और अच्छी पॉजिटिविटी फैलाएंगे। लोगों के बीच अवेयरनेस इस चीज़ की रखनी चाहिए कि हाँ, इफ़ समवन इज़ गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब और अच्छा वो कुछ कर रहा है, अच्छे अपने यूथ के लिए कुछ कर रहा है, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा है, दैट विल बी ग्रेट। वी हैव टू बी गो फॉर इट, लाइक इट एंड कमेंट इट गुड इन सच अ वे, बिकॉज यूट्यूब इज़ नॉट इन इंडिया, इट्स आउट्स ऑफ द इंडिया एज वेल। वहाँ पर भी लोग इंडिया के बारे में देखते हैं और इवन इंडिया के लिए सब सपोर्ट करते हैं, इंडिया वाले जो हैं। और हम लोग जिसे कहेंगे कि मतलब बाहर से जो अपने NRI फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, वो लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे आर लिविंग देयर बट दे वर लैकिंग आर वीडियोज़ एज वेल, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर दिस। और हम लोग इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, दोज हु हैव नॉट लाइक देयर वीडियोज ओके फाइन, बट आपको हार्श कमेंट नहीं करने चाहिए बिकॉज उससे एक ये होता है कि डिमोटिवेशन भी आता है और लोगों के अंदर इस चीज़ का रहता है कि यार उस बंदे ने मेरा लाइक नहीं किया, उस बंदे ने मेरे को कमेंट अच्छा नहीं किया, यार वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम देयर, यार ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए कि यार आप कुछ कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो एटलीस्ट उस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए कि बंदा कुछ स्टार्टअप कर रहा है, ही हैज़ इन्वेंटेड समथिंग। यार इन्वेंशन पे ही दुनिया कायम है और इन्वेंशन से ही हम कर कर करके यहाँ पहुँचे हैं, और इन्वेंशन नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हम कहीं नहीं होते। इवन दिस व्लॉगिंग ऑल्सो हम लोगों ने स्टार्ट किया है और लोग इसको डिसलाइक करते हैं, नेगेटिविटी मत फैलाइए गाइस। एज माय
मंत्रा कि मैं किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलाता, और मैं इस चीज को सोचता हूँ कि हाँ अगर कोई दिल से हार्डवर्क करता है यार, इवन यार कोई बंदा ट्राई कर रहा है तो उसे सपोर्ट करो और लाइक करो उसे, उसको कमेंट अच्छे अच्छे दो कि यू कैन डू और मच बेटर, आप ऐसे कर सकते हो, बट लेकिन उसके लिए नेगेटिविटी या हार्श वर्ड मत बोलिए प्लीज गाइज। दैट इज वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज फॉर दिस। और मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो और शूट किया है, दैट इज बेसिकली फॉर एविएशन वर्क, बिकॉज आई एम अ ग्राउंड स्टाफ इन एविएशन। और यार गाइज मैंने छोटा सा टाइम लैप्स दिया जो कि वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको मैंने ज़्यादा पास से इसलिए शूट नहीं किया वो टाइम लैप्स, बिकॉज दैट्स फॉर द सिक्योरिटी रीजंस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द एयरक्राफ्ट विसिनिटी एंड द एयरक्राफ्ट।